कि वहां भी कांग्रेस अब एकजुट हो गई और सरकार बनाने की बात करें, लेकिन बिहार में इसे लेकर कर्नाटक का जो नाटक है अब बिहार में शुरू हो गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? आपने अच्छा नाम दिया है कि बिहार में नाटक चल रहा है, ये नाटक कर रहे हैं और ये नाटक है, इसमें तर्क नहीं है, ये फालतू है। बिहार में तो वैकेंसी ही नहीं है, फिर कहां कैसे जाएंगे, वहां क्या करने जाएंगे वो, ये नाटक। गवर्नर हाउस ने समय मांगा है, ये पागलपन भी है। यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और ठीक कहा जय कुमार जी ने, हिम्मत है तो विश्वास प्रस्ताव लाए, नेता प्रतिपक्ष है और सरकार को गिरा दे, हिम्मत तो नहीं है। लेकिन आज हिम्मत की बात नहीं है, मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं आपको, और पुरानी बात यह है कि 2015 में जब आरजेडी जीत कर आई थी तब तो सबसे बड़ी पार्टी थी हिम्मत सरकार बनाने की, क्यों नहीं हिम्मत किया, क्यों नहीं गवर्नर से कहा उन्होंने कि हम सरकार बनाएंगे, हिम्मत रही थी। इसलिए हिम्मत रही थी कि अपने बल पर एमएलए नहीं हुए थे, नीतीश कुमार की दया और कृपा पर एमएलए हुए थे, और नीतीश कुमार 2007-10 में इनके साथ रही थे, इनकी माँ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, इनको हिम्मत थी, बड़ी पार्टी तो 2015 में थे, क्यों नहीं दावा किया? इसलिए दावा नहीं किया कि हिम्मत रही थी, वो तो नीतीश कुमार की कृपा से एमएलए बने हैं, नीतीश कुमार की कृपा से डिप्टी सीएम बने, और आज जो कर रहे हैं तो पूरी तरह ड्रामा ही ड्रामा है। इसलिए ड्रामा है कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, बिहार की सरकार चल रही है, बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इसलिए कोई भी तर्क है ये फालतू है। लेकिन विनोद नारायण जी, जो कुछ कर्नाटक में हुआ, जो कुछ गोवा में हुआ, वो भी आप लोग देख रहे हैं, बहुमत नहीं है लेकिन सरकार बन रही है आपकी, बहुमत नहीं है सरकार बन रही है, शपथ ले रहे हैं, एक हफ्ते का वक्त दिया जाता है, 15 दिन का वक्त दिया जाता है। रामानुज जी, कई आरोप लग रहे हैं।